जम्मू कश्मीर को मिला 370 हटने के बाद पहला मुख्यमंत्री, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रही थी वो अचानक से सुस्त हो गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी कभी इंटरवल से ठीक पहले फिल्म में सारे सीक्वेंस डाल दिए जाते हैं, मगर इंटरवल के बाद फिल्म साइलेंट मोड में चली जाती है। नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव करती हूँ आपका स्वागत सी न्यूज भारत की इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में भाजपा को धूल चटाने वाली कांग्रेस भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की सहयोगी पार्टी हो, मगर जीत के बाद ठंडे बस्ते में चली जाएगी, ये भला किसने सोचा था। 370 के खत्म होने के बाद उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आज समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता पहुंचे थे, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल थे। लेकिन आज कांग्रेस के किसी भी विधायक ने शपथ नहीं ली, क्योंकि कह दिया गया कि उमर सरकार में कांग्रेस शामिल नहीं होगी, बल्कि बाहर से ही समर्थन करने का फैसला कर सकती है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजों के बाद से ही दोनों में गोलमाल चल रहा है, मगर क्यों चलिए वो भी बता देते हैं। हुआ कुछ यूं कि चार निर्दलीय विधायकों का समर्थन उमर अब्दुल्ला को मिल गया और कांग्रेस पर निर्भर हुआ करते थे वो पहले, लेकिन अब आजाद हो गए और सियासी समीकरण बदल गए। जम्मू कश्मीर में आधा दर्जन सीटें जीत पाकर भी कांग्रेस जो है वो केवल मुंह ताकती रह गई। अब कांग्रेस को अपने विधायकों को उमर सरकार में सही जगह दिलाना मुश्किल हो गया। रही कही कसर उमर साहब ने कांग्रेस को केवल एक मंत्री पद देने की बात कहकर पूरी कर दी, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक अहमद कर्रा और डूरू सीट से जीए मीर जैसे पार्टी के दिग्गज नेता विधायक बनकर आए हैं। ऐसे में कांग्रेस केवल एक मंत्री पद से गुजारा करने वाली पार्टी तो नहीं लगती। वहीं कांग्रेस भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से मोल भाव करने के मूड में नहीं दिख रही है। वहीं इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक और वजह बताई जा रही है, हो सकता है कांग्रेस नेतृत्व नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए केवल 6 सीटें जीतने के बाद बड़े नेताओं को मंत्री पद का तोहफा मिले। एक किस्म से कांग्रेस का राजनीतिक प्रायश्चित भी हो सकता है। हालांकि राजनीतिक एकजुटता का संदेश देने के लिए राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, प्रियंका गांधी आज उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।